नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज न्यूज चैनल। अब तक की बड़ी खबर। सिद्धार्थनगर जिले के बर्दपुर क्षेत्र के बर्दपुर नंबर 2 के धनगरवा स्थित चौराहे पर किसान मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि डुमरियागंज लोकसभा भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान रहे मुख्य अतिथियों का फूलमाला पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोग भारी संख्या में हुए शामिल, बढ़ चढ़ कर लिए हिस्सा। भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल व भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने लोगों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की योजना गिनाते हुए अन्य योजनाओं का भी दी जानकारी और एक बार फिर भाजपा को वोट देने के लिए लोगों से की अपील। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित उपाध्याय, पूर्व मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे, ग्राम प्रधान परतपुर फोर मुलायम सिंह, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, ग्राम प्रधान पंकज चौबे, ग्राम प्रधान निसार अहमद, भाजपा युवा नेता राजू यादव, जिला पंचायत सदस्य सबलू सहानी, ग्राम प्रधान रब्बानी इरफान खान, आफ्ताब खान एवं अन्य लोग रहे मौजूद। एक किसान मोर्चा कार्यक्रम सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? आज धनगढ़वा में जहां 2024 के लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है, वहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहां के मंडल अध्यक्ष हमारे अमित उपाध्याय जी और किसान मोर्चा पंकज चौबे जी और हमारे मंडल अध्यक्ष सबलू सहानी जी सबके द्वारा एक किसान मोर्चे का सम्मेलन आएगी। और जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह का उस सम्मेलन में सभी समाज के लोगों की मौजूदगी हुई है, वो इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में किसानों की तरक्की के लिए चाहे वो 6,000 रुपया 11 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष खाद, बीज, उन्नतशील कीटनाशक दवाओं, पेस्टिसाइड, सिंचाई के लिए दिया है, उससे आज किसानों की जिंदगी में एक गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को जिस तरह से प्रमोट किया है कि एक काला नमक चावल विलुप्त हो रहा था, आज पुनः पूरी दुनिया में उसकी मांग थी और किसानों को उससे लाभ हो रहा है। इसी तरह से डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके MSP को उत्पादन लागत से 1.5 गुना बढ़ाने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा का लाभ 4 करोड़ लोगों को मिल रहा है और इसी की देन है कि आज किसानों ने निश्चय कर लिया है कि पहली बार कोई सरकार आई जो किसानों को सीधे खाते में बिना बिचौलिए के 6,000 रुपये दे किसानों के भर्ती की। तो आज ये किसान सिद्धार्थनगर में भी देश में जहां 400 सीटें देने का संकल्प कर रहा, वहाँ आज हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 4 लाख मत से अधिक जिता के भेजने का फैसला। जिस तरह से लोगों ने हाथ उठा के समर्थन किया है, निश्चित तौर से लहर चल रही भाजपा के और विपक्ष के जो उम्मीदवार आए हैं उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। वो किस पृष्ठभूमि के लोग हैं, किस तरह से समाज के लिए बोझ है और आज समाजवादी पार्टी को कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला तो फिर गोरखपुर से भेजा। तो पिछली बार भी गठबंधन का उम्मीदवार गोरखपुर से आया, 5 साल उसकी सूरत नहीं देखा, लोगों को अनुभव है।